उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नामी गैंगस्टर राहुल ठसराना से शादी करके चर्चा में आई तथा कथित महिला पुलिस कांस्टेबल को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई शहरों में ये दुल्हन चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नामी गैंगस्टर की शादी करने वाली पायल कभी यूपी पुलिस में तैनात ही नहीं रही। सबसे हैरानी की बात है कि पायल तकरीबन 8 साल से पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनकर लोगों को भी धोखा दे रही थी। इस खुलासे के बाद न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर समेत दर्जन भर जिलों की पुलिस के होश उड़े हुए हैं। ये भी कम हैरानी की बात नहीं है कि पायल यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल की वर्दी पहनकर आसपास ही सक्रिय थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस का कहना है कि पायल मूल रूप से मेरठ की तिगड़ी गांव की रहने वाली है। जांच के दौरान पुलिस जब गांव पहुंची तो वहां के लोगों ने हैरानी करने वाली जानकारी दी। गाँव वालों की माने तो पायल कभी भी यूपी पुलिस की कांस्टेबल नहीं रही। प्रधान के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ने के साथ गलत कामों को भी अंजाम देती थी। इतना ही नहीं, उसकी 8 साल पहले ही शादी हो गई थी और उसका 7 साल का एक बेटा भी है। वो गांव में नहीं रहती, ऐसे में उसके बेटे की देखभाल उसके माँ बाप ही करते हैं। गाँव वालों का कहना है कि वो अक्सर गांव में पुलिस की वर्दी में पहुंचती थी, इससे लोगों को भ्रम भी हो जाता था कि वो पुलिस कर्मी होगी। इस दौरान वो कहती थी कि वो बरेली में बतौर होमगार्ड तैनात है। सच तो ये है कि उसका भाई वहाँ जेल में बंद था, जिससे मिलने वहाँ वो अक्सर जाती थी। वही हिस्ट्री शीटर राहुल ठसराना की वर्दी धारी पत्नी की तलाश पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें पायल की तलाश में जुट गई है। बता दें, कुछ दिन पहले हिस्ट्री शीटर बदमाश राहुल ठसराना और एक महिला की शादी करते हुए मंडल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिस महिला के साथ हिस्ट्री शीटर की शादी हुई उसी की फोटो बदमाश के साथ यूपी पुलिस की वर्दी में वायरल हुई। फोटो वायरल होने के बाद एसएसपी वैभव कृष्ण ने दावा किया कि किसी महिला पुलिसकर्मी ने हिस्ट्री शीटर से शादी नहीं की है। पुलिस के दावे के बाद सवाल उठता है कि यदि शादी करने वाली महिला पुलिसकर्मी नहीं है तो वो वर्दी में कैसे नजर आ रही है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं। गौतम बुद्ध नगर में नामी गैंगस्टर राहुल ठसराना से शादी करके चर्चा में आई तथा कथित महिला पुलिस कांस्टेबल को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई शहरों में ये दुल्हन चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नामी गैंगस्टर